चलिए बनाते हैं गुजिया। वैसे तो होली में ज़्यादा खास तौर से बनाते हैं, लेकिन कभी भी आप बनाइए चाशनी वाला गुजिया, एकदम इस रेसिपी से परफेक्ट है। तो चलिए बिना स्किप किए करते हैं आगे का वीडियो। हाय एवरीवन, कैसे होंगे? उम्मीद होगा बढ़िया से होंगे। रेहाना किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी कुछ यूनिक रेसिपी जो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बनाने वाली हूँ, आप रेसिपी देखिए प्लीज़ और बताइए कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। चलिए मैं ही बता देती हूँ। मैं आज बनाऊंगी गुजिया, जो चाशनी वाले बनाऊंगी, जो बहुत बेहतरीन होते हैं। मार्केट में आप जाएंगे दुकान पे 400-500 रुपये केजी मिलेंगे। वही चीज़ मैं घर पे अपने किचन में बताऊंगी, जो बिल्कुल आसान है, आप भी बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट मैं बता देती हूँ किस हमें बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमने जो जो आपको ड्राई फ्रूट है पसंद है, ऐसा नहीं कि आप ये डालो ये डालो, जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट है आप देख लीजिए, जो भी आपको सही लगे। मेन इम्पोर्टेंट होता है खोवा, जिसको मावा बोलते हैं। आप चाहे तो मार्केट से ले सकते हैं, चाहे तो घर पे बना सकते हैं। इसको मैंने घर पे बनाया हुआ है, तो बचा हुआ था तो इसलिए मैंने बोला, सोचा कि बनाऊँ फटाफट कुछ सामान, तो मैंने सोचा कि गुजिया बनाती हूँ, जो कि सर्दियों में कुछ आदमी खा भी सकता है, थोड़ा ज़्यादा गर्मी में आदमी परेशान। ये है हमारे पास देसी घी। देसी घी भी मेन इम्पोर्टेंट होता है। कुछ इलायची पाउडर है, थोड़ा सा मैंने आधा कप सूजी ले लिया है। आप चाहो तो अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट है, हाँ फ्रेंड, गुजिया तो आपने बहुत तरीके के बनाए होंगे, सूजी के, मावा के, ड्राई फ्रूट के, लेकिन मेरी रेसिपी में आप देखिए मैं क्या क्या डाल रही हूँ। पहले मेन इम्पोर्टेंट हो गया सूजी। सूजी में मैं डालूँगी थोड़ा सा बेसन। बेसन मेरा बड़ा चम्मच से देखा जाए तो सिर्फ 2 चम्मच है, बेसन ज़्यादा नहीं डालना है। और इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनना है, मैं आगे दिखाऊंगी बिना स्किप किए देखिएगा। अगर बेसन नहीं ले सकते हैं, अगर त्यौहार जैसे होली में गुजिया बहुत पसंद है, अगर होली में आप बना रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप चना दाल, चने दाल को उबाल के उसको पीस लीजिए, और पीसने के बाद उसको भून लीजिए। वो इतना बेहतरीन टेस्ट देता है फ्रेंड गुजिया, कि आप कभी उसके स्वाद नहीं भूल सकते। तो चलिए फटाफट बनाते हैं। यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया है, अच्छे से कढ़ाई गर्म हो गया। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा 1 चम्मच देसी घी लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, सिर्फ 1 चम्मच इसमें हम डाल देंगे इस तरीके से। और मैं घी अच्छे से गर्म हो गया है, सारे ड्राई फ्रूट को हम थोड़ा सा भून लेंगे, कच्चा नहीं इसको डालेंगे, इसलिए थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेंगे इसको। थोड़ा सा गर्म करने के बाद, इसको भूनने के बाद फ्रेंड्स टेस्ट ही अलग आ जाते हैं, इसलिए कभी भी ड्राई फ्रूट हल्का सा रोस्ट कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट में ही अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। हाँ, तेज आंच पे कभी मत करिएगा, फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा। इसको फटाफट हम कर लेते हैं रोस्ट। अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं, इसको हम फटाफट निकाल लेते हैं किसी बर्तन में ठंडा होने के लिए। गरी का बुरादा जो है उसको भी हम थोड़ा सा भून लेते हैं, कच्चा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा इसको कर लेंगे सोनापन। 1 चम्मच हम घी डालेंगे, और इसमें हम गरी के बुरादे को हमने हल्का सा भून लिया है, कच्चा नहीं डालेंगे। अब इसमें हम बेसन डालेंगे, बेसन को भी अच्छे से भून लेते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। प्लीज़ बेसन डाल के एक बार आप गुजिया बनाइए, आप खुद हैरान हो जाओगे कि इतना अच्छा टेस्ट कैसे आया। इसको भून लेते हैं। आप चाहो तो सूजी और बेसन साथ में भी भून सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा बेसन को भूनूंगी। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, इस तरीके से लगातार चला के ही भूनेंगे। देखिए बेसन अच्छे से भूनने लगा है, थोड़ा सा हम और भून लेंगे। फ्रेंड्स, आप कोई भी रेसिपी अगर बेहतरीन चाहते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मीडियम फ्लेम पे अच्छे से बनाएंगे तो जो आपके हाथ की कोई भी रेसिपी खाएगा वो तारीफ़ करते नहीं थक सकता, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस
है। मैंने 17 साल किचन में दिया है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैंने किचन में सबसे ज़्यादा टाइम दिया है। भले यूट्यूब पे हमारा चैनल नया है, लेकिन मैंने 17 साल टाइम दिया है किचन में, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। 17 साल का तो पूरा ही है, इसलिए मैं जो भी बताऊँगी एकदम परफेक्ट बताऊँगी। ये हमारा बेसन भुन गया है, अब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। सोंधी सोंधी खुशबू जब आने लगती है तो समझ जाइए कि आपका कोई भी सूजी हो, बेसन हो, कुछ भी भुन जाता है। तो इसको हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब हमें सूजी भूनना है, तो हमने 1 चम्मच भर के घी डाल दिया है और उसी में ये सूजी डाल दूंगी। सूजी अच्छे से इसको भूनना है, एकदम अच्छा वाला भूनना है फ्रेंड। तो इसको हमें लगातार चला के ही भूनना है और मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है। इसलिए मैं बार बार बताती हूँ कि फ्लेम को मीडियम रखना है, ताकि आप भूल के हाई फ्लेम ना कर दो। इसलिए फ्लेम हमेशा मीडियम ही करना। इसको भूनते इसी तरीके से हम भूनेंगे फ्रेंड्स। सूजी कोई सा भी हो, मोटा पतला उससे कोई मतलब नहीं है, आप ले सकते हैं। बस भूनने का ये है कि ये कच्चा नहीं होना चाहिए। इसको अच्छे से भूनना है हमें, जब तक इसमें से सौंधी से खुशबू ना आने लगे तब तक हम इसे भूनेंगे। ये इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। इसको मीडियम फ्लेम पे भूनने में हमें 5 मिनट लगा है, एकदम परफेक्ट बेहतरीन भून चुका है। इसको भी एक बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जो हमारा खोवा है इसको हम कच्चा नहीं डालेंगे, इसको भी थोड़ा सा हम भून लेते हैं, ताकि अगर आप इसको ज़्यादा दिन तक रख भी सकते हैं तो ये ख़राब ना हो, इसलिए इसको 1-2 मिनट तक हम इसको भून लेते हैं। यहाँ पे हमने अच्छे से भून लिया है खोए को, इसी तरीके से भूनना है। और मेरा लमसम वेट में 50 ग्राम है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको एक बर्तन में हम ठंडा कर लेंगे, हम किसी चीज़ को गर्म नहीं डालेंगे, सबको ठंडा करके ही डालेंगे। और सबसे पहले ये जो ड्राई फ्रूट है एकदम ठंडा हो चुका है। इसको फ्रेंड्स आप चॉपर से अच्छा है कि मिक्सर में 1 से 2 बार मिक्सर चलाइए और दरदरा इसको कर लीजिए। उसके बाद ये चीनी है, चीनी को हम बारीक पीस लेंगे। देखिए हमारा खोवा भी एकदम ठंडा हो गया है, सारे जितने भी हैं सब ड्राई फ्रूट से लेके हर एक चीज़ ठंडा हो गया है। अब इसको हम मिलाएंगे तो चिपचिपा हमारा ज़्यादा नहीं होगा। हमने छोटे छोटे किशमिश को भी काट के रखा है। ये हमारी बेसन है, सूजी है, हम एक बड़े बर्तन में ले लेते हैं इसको। सारे ड्राई फ्रूट है इसको भी डाल देंगे, थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डालेंगे, बहुत अच्छा आएगा टेस्ट, खुशबू इलायची पाउडर से बहुत अच्छा आ जाता है। चीनी पीसी हुई है, चीनी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमें चाशनी में डुबोना है, तो इसलिए हम चीनी को थोड़ा सा ही डालेंगे, इतना काफ़ी है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं हल्का सा नमक डालूँगी, आप कभी डाल के देखना, बहुत अच्छा होता है। एक बार अच्छे से हाथों से या चम्मच से आप मिला लीजिए, लेकिन मैं तो हाथ से मिलाऊँगी, ताकि हाथ का स्वाद, बोलते हैं ना, जब हाथ आप अच्छे से धो के यूज़ करिए तो वाकई में हाथ की स्वाद जो जाती है ना, चम्मच काटे नहीं देते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, खोवा बिल्कुल हमारा ठंडा हो गया। गरम खोवा हम नहीं डालेंगे, मावा जिसको आप बोल सकते हो। इसको अच्छे से हाथों से, इतनी अच्छी खुशबू आने लगी फ्रेंड्स, देखिए ये हमारा एकदम परफेक्ट बन चुका है। अब आप गुजिया बनाओगे तो बहुत परफेक्ट होगा। अगर गरम में डालते तो चीनी इसमें चिपचिपा कर देता, इसलिए ठंडा करके ही डालते हैं। ये हमारा परफेक्ट रेडी हो गया है। तब तक हम मैदा का डो लगाते हैं, देखिए। मैंने बाउल्स में 1 कटोरी मैदा ले लिया, वेट में देखा जाए तो 100 ग्राम है। और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी, नमक आप ज़रूर डालना, बहुत अच्छा बैलेंस लेके आएगा आटे का। और मैंने देसी घी लिया है लमसम, ये 2 चम्मच है, ये ठंडे से जम गया था इसलिए मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया। इसको अच्छे से हाथ से हम पहले मिलाएंगे,
और हमें नरम डो नहीं लगाना है, टाइट डो लगाएंगे, लेकिन खूब ज़्यादा हाथ से मलना भी नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम पहले घी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हाथों से, टाइट हाथ से करेंगे, सर्दी का टाइम है, जम जाते हैं, तो इस तरीके से देखिए हो जाएगा। आप यहाँ पे घी की जगह पे रिफाइंड भी ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन होता है घी। घी से हमारा बिल्कुल खस्ता जैसा बनेगा सही। यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है घी, अगर चाहो तो रिफाइंड भी ले सकते हैं, लेकिन अच्छा होता है घी से। घी से एकदम बेहतरीन बनता है गुजिया, जो एकदम मार्केट जैसा होता है। देखिए डो इस तरीके का होना चाहिए, ये बन गया तो ये परफेक्ट है। हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूथेंगे, एक साथ पानी नहीं डालेंगे, और डो को हमें टाइट करना है, और बहुत ज़्यादा ही हमें गूथना भी नहीं है, सिर्फ इसको अच्छे से पहले तो बांधेंगे। यहाँ पे देखिए आटा बच चुका है, इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं गूथना है, नहीं तो आटा एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। इसको हमें बांधना है, सिर्फ 2 से 4 बार ही बांधेंगे, ताकि मार्केट जैसा एकदम बेहतरीन लेयर होता है गुजिए में, उस तरीके का हमें बनाना है। बिल्कुल मिक्स नहीं करना है, और इसको कम से कम 20 मिनट के लिए हम सेट करेंगे, 2-4 बार और कर लेते हैं। ये हमारा परफेक्ट हो गया, इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। ठीक, चाशनी हम बना लेते हैं। जब तक आटा हमारा सेट हो रहा है, 1 कप हमने चीनी ले लिया है, 1 कप पानी डाल देंगे इसमें। आप चीनी 1.5 कप भी ले सकते हो, लेकिन हम 1 कप ही डालेंगे चीनी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें चिपचिपी चाशनी बनानी है, तार वाली चाशनी नहीं चाहिए। इसमें थोड़ा सा कलर आने के लिए हमें थोड़ा सा फूड कलर डालूंगी, ताकि गुजिया का जो कलर होता है वो हमें चाहिए। अगर आपके पास केसर है तो आप केसर भी डाल सकती हैं, बेहतरीन कलर आ जाएगा चाशनी का। थोड़ा सा बिल्कुल 2-4 बूंद हम केवड़ा वाटर डालेंगे, आपके पास है तो डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। इतना डाल देंगे, बहुत अच्छा खुशबू आएगी, और थोड़ी सी हम इलायची पाउडर भी इसमें डालेंगे, ताकि इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और खुशबू बहुत अच्छी चाशनी की हो जाएगी। और फ्रेंड्स मीठा बना रहे हैं तो थोड़ा सा हम चीनी ज़रूर डालेंगे, बैलेंस बना देगा एकदम बेहतरीन चाशनी का। इसको हम अच्छे से उबालते हैं फ्रेंड। चाशनी हमारी देखिए एकदम परफेक्ट हो गई है। मैंने 1.5 कटोरी इसमें चीनी डाला है, और 1 कटोरी पानी। आप 2 कटोरी चीनी कर सकते हैं, लेकिन मैंने चीनी थोड़ा उसमें भी डाला हुआ है सूजी वाले उसमें, तो इसलिए मैंने इसमें 1.5 कटोरी चीनी डाला है। एकदम परफेक्ट होगा, नहीं तो ज़्यादा मीठा हो जाता। और चाशनी देखिए हमारी चिपचिपी होनी चाहिए, जो बिल्कुल चिपचिपी है। अब इसको बंद कर देते हैं, और चाशनी जब हम डुबोएंगे फ्रेंड्स, तो हमारी चाशनी बिल्कुल गर्म होनी चाहिए, तभी गुजिया एकदम परफेक्ट होता है। अब गुजिया बना लेते हैं फटाफट। मैदे को चेक करते हैं, एकदम देखिए परफेक्ट सेट हो गया है। इसको 2 से 3 बार और हाथों से ऐसे मिला लेंगे, एकदम अच्छा हो गया है, डो हमारा परफेक्ट है। इस तरीके से हम हाथों से फैला लेंगे, क्योंकि हमें छोटा छोटा पेड़ा बनाना है, और बिल्कुल गुजिया हम पतला नहीं रखेंगे, थोड़ा सा हम मोटा करेंगे। मैं आगे दिखाऊंगी, प्लीज़ बिना स्किप किए करिए, ताकि आपको समझ में आए। इस तरीके से हमने बढ़ा लिया है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इसको 2 भाग करके फिर इसको बढ़ा लीजिए, हम इजी बढ़ जाते हैं। इसको आप थोड़ा थोड़ा हाथों से खींच लीजिए, हम इस तरीके से बढ़ जाएंगे। इसको हम काटते हैं छोटा छोटा, इस तरीके से भी देखिए आराम से स्लिप पे कर सकते हैं, या कोई भी सब्जी काटने वाला ले लीजिए, उस पे भी हो जाते हैं। और छोटा छोटा हम इतना इतना पेड़ा काट लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बहुत लंबा बेलना भी नहीं होता है, छोटा छोटा ही बेलना होता है। इस तरीके से मैंने सारा कट कर लिया।
इस तरीके से हो गया, एक पेड़ा उठाएंगे हम हाथों से, इस तरीके से हम कर देंगे इतना छोटा, और इसको हम बेल लेते हैं, इसको हम बेल लेते हैं। आप चौकी पे भी बेल सकते हो, स्लिप पे भी बेल सकते हो, जिस पे आपको सही लगे उस पे आप बेल सकते हैं। तरीके से देखिए, थोड़ा सा मोटा है, थोड़ा सा और बड़ा हम बेलेंगे। इस साइज का हम बेल लिए हैं, देखिए ना ज्यादा पतला है ना ज्यादा मोटा है, एकदम परफेक्ट है। थोड़ा सा हम पानी कटोरी में ले लेंगे और किनारी में इसके पोर्शन में हम पानी लगा देंगे। इससे क्या होगा ना कि आपका गुजिया कभी खुलेगा नहीं। इस तरीके से हम पहले ही पानी लगा देंगे सारे किनारे पे, और कोई चम्मच ले लेंगे जो गुजिया का हम बेटर है, उसको इस तरीके से रख लेंगे और इसको हाथों से इस तरीके से हम दबा देंगे। प्रेस कर दीजिए, बिल्कुल अच्छे से दब जाएगा ये, बिल्कुल अब चिपक जाएगा, ये निकलेगा नहीं। इस तरीके से हमने कर लिया, जब इसको हम बनाएंगे, आप चाहो तो गुजिया वाले मशीन से भी कर सकते हैं, लेकिन हम फ्राई करेंगे तो बिल्कुल हाथ से होता है। अब देखिए हमें कैसे बनाना है, ये आपका हाथ हल्का हाथ होना चाहिए, हल्के हाथ से बनाएंगे, और बिल्कुल ये जो आपका आटा गूंथा है टाइट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से दबाएंगे, एक उठाएंगे एक दबाएंगे, इस तरीके से हाथ से कर देंगे, एकदम परफेक्ट डिजाइन बनते जाएगा। इसी तरीके से आप बना लीजिए, आपका कभी खुलता भी नहीं। और इस तरीके का फ्रेंड्स गुजिया एकदम मार्केट जैसा बनेगा। यहाँ पे ले आके इसको दबा देते हैं, देखिए इसी तरीके से हमें बनाना है। एक और मैं बना के आपको दिखा रही हूँ। एक फ्रेंड्स इस तरीके का मशीन ले लेंगे, ये भी होता है गुजिया की कटर, और इसमें रख लेंगे। आसानी से मैं बता रही हूँ, बिल्कुल इजी होते हैं ये, मार्केट में इजी मिल जाते हैं। और इसमें मैं गुजिया का वो डाल दूँगी देखिए, और इसको साइड में हम पानी लगा देंगे उसी तरीके से, ताकि खुले ना इसका मुंह, इसलिए हम पानी लगाते हैं, और इसको अच्छे से हम चिपका देंगे। बिल्कुल इजी होता है, टाइट हाथ से दबाइए, जो एक्स्ट्रा इसका है इसको हम इस तरीके से निकाल देते हैं। जब हम निकालेंगे इसको दबा देंगे, और देखिए इस पे थोड़ा सा डिजाइन बन जाता है। आप चाहो तो इस तरीके से करके भी चाशनी में डाल सकते हैं, बट थोड़ा सा इस तरीके करने के बाद, और इसी को इस तरीके से आप हल्का हल्का घुमा दीजिए, बिल्कुल छोटा छोटा, देखिए ये ज़्यादा और बेहतरीन होता है, आप बिल्कुल इजी कर पाओगे इसको। इस तरीके से आप घुमा घुमा के देखिए, परफेक्ट बन जाता है एक नया लुक के साथ। इस तरीके से हम सारा बना लेते हैं, मैंने दोनों तरफ से समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। तरीके से सारा हमने बना लिया है। अब फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल रख दिए हैं, तेल हमारा मीडियम गर्म हो गया है। एक एक करके हम इसमें कर लेंगे, देखिए इतना ही डालने पे जैसे हो, तो इसी स्टेज पे हमें डालना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं और मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। जितना आए आपका, एक बार में दो तीन या चार डालिए, इससे ज़्यादा मत डालिए। इसको हम कर लेते हैं फ्राई इसी स्टेज पे, हमें देखिए इतना ही मीडियम करना है फ्लेम को, और इसको उलाटते पलाटते रहेंगे, एकदम परफेक्ट इसी तरीके से होगा। इसको हम फिर से पलट लेते हैं, देखिए कितना अच्छा कलर आने लगा है हमारा गुजिया का। इसी तरीके से हम सारा करेंगे, और भी थोड़ा सा कलर आने देंगे, और मीडियम फ्लेम पे हम करेंगे फ्रेंड्स, तो हमारी जो गुजिया का है अंदर से कच्चा भी नहीं होगा, और बहुत क्रिस्पी, बहुत बेहतरीन बनेगा। इसलिए हम मीडियम फ्लेम पे ही इसको करेंगे फ्राई। लास्ट स्टेज पे थोड़ा सा फ्लेम को तेज कर देंगे, और क्योंकि अच्छा कलर आना चाहिए तो इस पे पूरा फोकस होना चाहिए आपका, नहीं तो आपसे जल सकता है। देखिए कितना अच्छा कलर आने लगा है, थोड़ा सा और हम करेंगे इसको, हाई फ्लेम कर देंगे तो हमारा कलर एकदम बेहतरीन आएगा। देखिए और फ्रेंड्स यहाँ पे चाशनी को हम कर लेते हैं गरम, क्योंकि चाशनी हमारी ठंडी नहीं होनी चाहिए, गरम कर लेते हैं फटाफट। चाशनी गरम में ही जाएगा ये गुजिया, तब एकदम परफेक्ट बनेगा।
देखिए इसका कलर एकदम हो गया है, अब बिल्कुल निकाल लें, निकाल के इसको हम चाशनी में ही डालेंगे। इसको फटाफट निकाल लेते हैं। इसको फ्रेंड्स चाशनी बिल्कुल गर्म है, गर्म चाशनी में ही हम डिप करेंगे इस तरीके से। आप कभी चाशनी वाला गुजिया बना के देखिए, बहुत पर बेहतरीन लगता है। आप सादा गुजिया बनाना भूल जाएंगे, आप बार बार चाशनी वाला बनाएंगे, क्योंकि ये मार्केट में जब दुकान पे मिलता है तो लोग इसको बहुत पसंद से खाते हैं। और ये चीज़ आपके किचन में जब बनने लगेगा फ्रेंड्स, तो यकीन मानो सब बहुत पसंद करेंगे। देखिए कितना परफेक्ट। इसको पलट देते हैं, ज़्यादा देर तक हम नहीं रखेंगे, नहीं तो हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी गुजिया। तो इसको हम निकाल लेते हैं, आराम आराम से निकाल लेंगे किसी अच्छे बर्तन। देखिए इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम सारा निकाल लेंगे गुजिए को, छान पहले फ्राई कर लेंगे और इसी स्टेज पे इसी तरीके से हम करेंगे। देखिए मैंने पिस्ते को छोटा छोटा लंबा काट लिया था और इसको सजा दिया था, जैसे लग रहा ना एकदम मार्केट जैसा। फ्रेंड्स यकीन मानो घर पे इतना बेहतरीन बना है कि मैं समझिए आपको खिला नहीं सकती, लेकिन बता सकती हूँ एकदम 100% A1 बना है। आप ट्राई करिए प्लीज़। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर किया करिए, प्लीज़ कमेंट किया करिए। प्लीज़ दोस्त मेरे सपोर्ट करो मेरे को, अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।